बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली कराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। ओमान से दुबई की वापसी है और अब्दुल्ला भाई मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला भाई का दिल से शुक्रिया जिन्होंने बड़े भाई का शुक्रिया आपने हमारे साथ बड़े भाई की तरह इन्होंने जनाब रखा हमें। और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं किसी अजनबी लोगों में और अजनबी जगह पर हूँ। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला ने जजाए खैर दे दी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी सीप से टैक्सी पे बैठूंगा और मैंने जाना है मोबेला बीपी। पिछली वीडियो में मैंने इसका नाम ख़राब कर दिया, मोबेला बीपी। वहाँ पे बस मिलेगी मुझे तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान तक, वहाँ से आएगी रूही से। तो अभी टैक्सी का इंतज़ार, टैक्सी पर बैठेंगे। टैक्सी यहाँ से लेगी 300 पैसा। अभी ना इस वक्त टोटल मार्केट जो है ना, आप देखें जहाँ ये आपको नज़र आ रहा है, हर चीज़ बंद है, हर चीज़ बंद है। ऐसे लगता है जैसे छुट्टी है। वो देखें ना, वो देखें, वो बंद है। ऐसे हमारी कंट्रीज़ में ना छुट्टी वाले दिन होता है, जुमे वाले दिन। लेकिन यहाँ रूटीन के मुताबिक 1 बजे से 4 बजे तक सवाए फूड के कोई दुकान खुली नहीं। बैंक भी बंद। हाँ, कोई चीज़ नहीं खुली होती, हर चीज़ बंद। अगर कोई खुली मिल जाए तो जुर्माना। बड़ी टफ़ कंडीशन है यहाँ पे, तो बिल्कुल सुनसान बयाबान, हर चीज़ बंद। मोबाइला बीपी बाद में चलता हूँ। वो बैग में हाथ में रखा, वो हाथ उसमें लैपटॉप। चाची ने संदूक रखा हुआ है पीछे। लो जी, खुश रहे हैं, बाद में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, बड़ा अच्छा एरिया है जहाँ पे मैं भी रहा हूँ। सीप का एरिया ये, सीप सूख 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 सीप सूख दिस एरिया ने सीप सूख नाम है। और जो जितने दिन यहाँ गुजरे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं। उमानी बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत ही अच्छे लोग हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और बाकी यहाँ पर वो दुबई वाला जो है ना, वो चहल पहल तो नहीं है, लेकिन फिर भी रूल्स बड़े अच्छे हैं, मुल्क बहुत अच्छा है, करेंसी बड़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल मेरा जो ये टूर एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद है कि बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी लाजमी इसको एंजॉय किया होगा। तो बाकी अब वापसी का सफ़र है, तो वीडियो वन तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। संदूक साड़ा नहीं, ये अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, बस आती है यहाँ से। यहाँ होटल से पता करता हूँ ना, उसी होटल पे जिस होटल में उस दिन बैठा था वो बताएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्रिया जी, खुश रहें। आपने बहुत कीमती टाइम दिया, बड़े इंतज़ार किया गाड़ी का। अभी गाड़ी आई है तकरीबन 1.5 घंटा इंतज़ार करना था। 15 मिनट खड़ी होगी, कॉल करेंगे सारे पैसेंजर अब रह गए। आ जाओ भाई,
دیں واپس پہنچ گیا ہوں عمان سے الحمدللہ بالکل خیریت سے، اور 12:15 ہونے والے ہیں دبئی پہنچنے تک تقریباً 8 سے 9 گھنٹے لگے ہیں گاڑی کو، تو امید ہے کہ یہ سیریل آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ جلدی کسی اور ملک کی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ویلاگ۔ تو یہاں تک آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور جنہوں نے میرے اس پوری سیریل کو واچ کیا، دیکھا، اچھے اچھے کمنٹس کیے، اچھی اچھی رائے دی۔ تو آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں دبئی پہنچنے پہ۔ میں نے جیسے بتایا تھا کہ خنجری ٹریول میری رہائش سے تقریباً 10 منٹ کی پیدل واک ہے، تو اب میں پیدل ہی جا رہا ہوں اپنی رہائش پہ، اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل کتنا خرچہ لگا، کیا کیا ایکسپیریمنٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ آفس میں بیٹھ کے وہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔ جذبہ ڈیلیوری سروس دبئی، ضرورت برائے ڈیلیوری بوائے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال۔ فار مور ڈیٹیلز 0971588902741۔ سفر